उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद सुहाग नगरी में आज रसना गार्डन में प्रजापति व्यापार सेवा समिति की तरफ से 9वां सामूहिक विवाह समारोह 14 जोड़ों का विवाह किया गया, जिसमें संरक्षक मुन्नालाल गोला ने कहा कि अपनी बेटियों की शादी बड़े लोग मैरिज होम या रिसोर्ट में कराते हैं और बड़ा ही दान दहेज के साथ कराते हैं, मगर हमारी व्यापार सेवा समिति की तरफ से बिना दान दहेज के गरीबों की कन्याओं को 14 जोड़ों के सूत्रों में बांधा गया है। वहीं व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष रविन्द्र लाल तिवारी, नीता पांडे, समाज सेवी कौशल किशोर उपाध्याय प्रजापति, व्यापार सेवा समिति के अध्यक्ष इनाम सिंह उपाध्याय, महेश माझा प्रजापति, संरक्षक मुन्नालाल गोला आदि प्रजापति व्यापार सेवा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बहुत ही अच्छा ये मेरे ख्याल में लगभग 9 बार इन्होंने सांस्कृतिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम किए हैं और सभी कार्यक्रम इनके बढ़ चढ़ कर हुए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में भी इस देश के उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और प्रदेशों के भी लोग यहाँ पर हिस्सेदारी प्रस्तुत की है, जिसमें मुख्यतः हमारे दिल्ली प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश के और मध्य प्रदेश के ऐसे लोग भी यहाँ पर आए हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर इस फिरोजाबाद सुहाग नगरी में ये प्रजापति व्यापार समाज की और जो सांस्कृतिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम को जो देखा है वो बहुत ही अद्भुत माना है। और मैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी ओर से और अपने सभी व्यापार मंडल की ओर से इनको सभाओं को देता हूँ और यहाँ के प्रजापति समाज के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई नाम की उनके साथ में सभी सम्मानित पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि वो इस तरह के रचनात्मक कार्य करते हैं और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम प्रदर्शित करते हैं। इसी बात के साथ में अपनी बात